दोस्तों, जैसा कि मैंने आरओ प्यूरिफायर के लास्ट वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि मैं इस चैनल पर एक और वीडियो लेके आऊंगा जो कि आरओ मेम्ब्रेन से रिलेटेड होगी, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आरओ मेम्ब्रेन फिल्टर के बारे में बताने वाला हूं जो मैंने अपने प्यूरिफायर के लिए मंगवाई है। और दोस्तों इस वीडियो में ही मैं इस मेम्ब्रेन को आपको अपने आरओ प्यूरिफायर में इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों देर ना करते हुए मैं इस मेम्ब्रेन के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। दोस्तों ये जो मेम्ब्रेन है वो मैंने वॉन्ट्रॉन कंपनी की 80 GPD वाली मंगवाई है और जो इसकी माइक्रोन रेटिंग है वो 0.005 है। दोस्तों इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 2 ईयर्स है। हम जल्दी से इसको खोल के देख लेते हैं कि ये मेम्ब्रेन कैसी दिखती है। दोस्तों ये जो मेम्ब्रेन है ये सूटेबल है सारे इलेक्ट्रॉनिक आरओ प्यूरिफायर के लिए और ये आप किसी भी डोमेस्टिक वाटर प्यूरिफायर में यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 2 ईयर्स होती है, बाकी वो आपके प्यूरिफायर के यूसेज पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना वाटर यूसेज करते हैं डेली बेसिस पे। दोस्तों ये जो आरओ मेम्ब्रेन है वो 80 GPD की है। GPD का यहाँ पे मतलब है गैलन पर डे। दोस्तों आपको कितनी GPD की आरओ मेम्ब्रेन लेनी है ये डिपेंड करता है कि आपके प्यूरिफायर में कितने GPD का आरओ पंप लगा हुआ है। दोस्तों ये ध्यान रहे जब भी आप आरओ मेम्ब्रेन मंगवाएं तो उसकी GPD जरूर देख लें कि आपके वाटर प्यूरिफायर में कितने GPD का पंप लगा हुआ है। अगर दोस्तों आपके वाटर प्यूरिफायर में 75 to 80 GPD का पंप लगा हुआ है तो आप 80 GPD की आरओ मेम्ब्रेन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके प्यूरिफायर में 100 GPD का पंप लगा हुआ है तो आप उसमें 100 GPD का आरओ मेम्ब्रेन भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो इसकी जो हाइट या फिर लेंथ कह सकते हैं वो 25 सेंटीमीटर है और जो इसका वेट है वो करीब करीब 400 ग्राम के आसपास है। दोस्तों ये थी कुछ बेसिक बातें इस आरओ मेम्ब्रेन से रिलेटेड। दोस्तों अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करूं तो ये आरओ मेम्ब्रेन मैंने 500 रुपीज़ का ऑनलाइन वेबसाइट से मंगवाया है। आप भी इसको ऑनलाइन वेबसाइट से मंगवा सकते हैं। दोस्तों आपको इसमें और भी कई सारी कंपनियां मिल जाएंगी जो आपको आरओ मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती हैं। आप चाहें तो उन कंपनी को भी कंसिडर कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके वाटर प्यूरिफायर के पंप से उसका GPD लेवल मैच कर रहा हो। तो दोस्तों अब देर ना करते हुए मैं इसकी इंस्टॉलेशन आपको दिखाता हूँ अपने प्यूरिफायर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरा आरओ प्यूरिफायर जिसकी मैं आरओ मेम्ब्रेन चेंज करने वाला हूँ। तो आपको इस तरीके से अपने आरओ प्यूरिफायर का ये ग्लास पैनल हटा लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस जगह पर मेरी ये आरओ मेम्ब्रेन की हाउसिंग लगी हुई है। आपको भी देख लेना है कि आपके आरओ प्यूरिफायर में किस जगह पर आरओ मेम्ब्रेन लगी हुई है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे आरओ प्यूरिफायर की जो इनसाइड वाटर की स्पीड है वो क्या है। इससे आपको पता लग सकता है कि आरओ मेम्ब्रेन की क्या कंडीशन है और इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि आरओ मेम्ब्रेन चौक है या नहीं है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं मेरा जो आरओ मेम्ब्रेन है वो करीब करीब 2 साल पुराना हो चुका है और ये काफ़ी चौक भी हो चुका है, तो इसको चेंज करने का एकदम सही टाइम है। आपको भी दोस्तों इसी तरीके से चेक कर लेना है कि आपका आरओ मेम्ब्रेन की जो इनसाइड वाटर की स्पीड है वो कितनी आ रही है। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका आरओ मेम्ब्रेन अब चौक हो चुका है और इसे चेंज करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अब हम एक एक करके सारे फिल्टर्स को अपनी जगह से हटा लेते हैं ताकि हम आरओ मेम्ब्रेन की हाउसिंग को अलग करके उसके पाइप्स वगैरह डिसअटैच्ड कर सकें। दोस्तों ध्यान रहे अपने आरओ की सारे पाइप्स की अटैचमेंट हटाने से पहले आप अपने आरओ प्यूरिफायर की वाटर की सप्लाई को बंद कर दें।
दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इस आरओ मेम्ब्रेन हाउसिंग में तीन पाइप्स की अटैचमेंट है। दोस्तों सबसे पहले मैंने वो पाइप डिसअटैच की है जिससे इस फिल्टर में से होते हुए पानी आगे के फिल्टर में होके जाता है। दोस्तों अब आपको अपने जितने भी पाइप आपके आरओ मेम्ब्रेन के हाउसिंग से अटैच्ड हैं वो एक एक करके हटा लेनी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो पाइप आप जिस अटैचमेंट से हटा रहे हैं उसको वापस वहीं लगाना है जब आप वापस इस हाउसिंग को इन पाइप से अटैच करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इस साइड पर जो पाइप लगा हुआ है ये रिजेक्टेड वाटर का पाइप होता है, जो पानी आरओ मेम्ब्रेन की फ़िल्टर से होते हुए नहीं गुजर पाता वो इसके थ्रू यहाँ से बाहर यानी कि रिजेक्ट हो जाता है। इन पाइप्स को किस तरीके से डिसअटैच करना है ये मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है, बहुत ही इजी है। बस इन पाइप्स को निकालते वक्त आपको इसके पीछे एक वॉशर टाइप लगा हुआ होता है, उसको पीछे प्रेस करना होता है और ये पाइप्स इजीली निकल जाते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इस पाइप में आगे की तरफ एक फ्लो रिस्ट्रिक्टर भी लगा हुआ है। फ्लो रिस्ट्रिक्टर का क्या काम होता है इस पर कभी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा अपने चैनल पर, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब दोस्तों मैं अपना वो पाइप डिसअटैच कर रहा हूँ जिसके थ्रू इस मेम्ब्रेन फिल्टर की हाउसिंग में पानी एंटर करता है। तो आप देख ही रहे हैं, जो मैंने फिल्टर खरीदा है ये एग्जैक्ट इस हाउसिंग की साइज का ही है। तो जल्दी से अब हम इस हाउसिंग को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों हो सकता है ये हाउसिंग काफ़ी टाइटली बंद हो, तो आपको किसी कपड़े की मदद से इस हाउसिंग को ओपन कर लेना है। तो आप जैसा कि देख ही रहे हैं, मैंने इसको ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं क्या कंडीशन है इस आरओ मेम्ब्रेन की हाउसिंग की। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर डर्ट आ चुका है और काफ़ी इम्प्योरिटीज़ इसमें आप देख ही सकते हैं। अब दोस्तों आपको इस मेम्ब्रेन को बाहर निकालना है, तो इसको बाहर निकालने में आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ सकता है। तो इसका ईजी तरीका है, अगर आपके पास कोई प्लास या प्लायर टाइप का कुछ है तो आप उसके थ्रू इसको ईजिली पुल कर सकते हैं और ये ईजिली बाहर आ जाएगा। अगर आपके पास कोई प्लायर ना हो तो आप इसके जो ये ऊपर छेद दिए हुए हैं इसमें कोई प्लास्टिक का वायर डाल के इसको पुल कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। ये भी वॉन्ट्रोन कंपनी का ही है। मैंने पहले भी वॉन्ट्रोन कंपनी का ही आरओ मेम्ब्रेन अपने आरओ प्यूरीफायर में लगवाया था। दोस्तों काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी का ये आरओ मेम्ब्रेन है, आप और भी कंपनी कंसिडर कर सकते हैं। मैं इस कंपनी को आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरे प्यूरीफायर में वॉन्ट्रोन लगा हुआ था तो मैंने वॉन्ट्रोन का ही दोबारा से मंगवा लिया। आप चाहें तो कोई और कंपनी भी मंगवा सकते हैं, इसमें और भी बेटर क्वालिटीज़ के आरओ मेम्ब्रेन आपको मिल जाएंगे। दोस्तों आप जैसा कि देख ही सकते हैं, अब की बार मैंने 80 GPD का आरओ मेम्ब्रेन मंगवाया है। जो मेरा पहला मेम्ब्रेन था वो 75 GPD का ही था। आप 75 GPD से 80 GPD का मेम्ब्रेन यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास 75 GPD की आरओ पंप है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि मैं किस तरीके से इस मेम्ब्रेन को इस हाउसिंग में फिट करूँगा। पहले इस हाउसिंग को मैं क्लीन कर लेता हूँ, आप भी अपने आरओ मेम्ब्रेन की हाउसिंग को क्लीन कर लें नया फिल्टर डालने से पहले। तो दोस्तों इसको मैंने क्लीन कर लिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस आरओ मेम्ब्रेन को इसमें अच्छे से फिक्स करना है। अब दोस्तों आपको इसको इजीली इसमें फिट कर लेना है। आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें जो ये ब्लैक कलर की गैस्केट है ये एकदम एग्जैक्ट फिट बैठ रही है। आपको इसको स्लोली पुश करना है अंदर की साइड और इसको पूरा इसके अंदर अच्छे से बैठा देना है। ये जो आप पाइप देख रहे हैं इसको बिल्कुल इसके लेवल पे लाना है। इस चीज़ के लिए आप इसको अच्छे से प्रेस करें, अगर ये बिल्कुल नहीं आ रहा है तो इसको आप
अपसाइड डाउन नीचे करके प्रेस कर सकते हैं और ये एकदम एग्जैक्ट इसके लेवल पे आ जाएगा। दोस्तों आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका जो ये लेवल है बिल्कुल एक्यूरेट बराबर हो, ताकि इसके ऊपर की जो कैप लगे तो वह एग्जैक्ट बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाए। दोस्तों आपको इसकी कैप को अच्छे से टाइट कर लेना है। आप वापस कपड़े की मदद ले सकते हैं ताकि आपके हाथ की ग्रिप बन जाए इसके ऊपर, और इसको अच्छे से टाइट करके वापस इसको अपनी जगह पे आप इसे बैठा सकते हैं। दोस्तों बस अब आपको वही सारे पाइप वापस से इंसर्ट कर लेने हैं जहाँ पे वो पहले थे। बहुत ही इजी है, आपको इन पाइप्स को बस अच्छे से प्रेस करना है और वापस इसमें जो आपने क्लिप्स निकाली हैं उनको वापस लगा लेना है। दोस्तों जो सबसे पहला पाइप मैंने जो इंसर्ट किया है वो पाइप है जिसके थ्रू इस हाउसिंग में पानी एंटर करता है। अब जो इस हाउसिंग फिल्टर के बैक साइड में जो दो पाइप के नोज़ल दिए हुए हैं उसमें से जो ये एक पाइप है जिसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ उसके थ्रू वाटर आपके नेक्स्ट फिल्टर में जाएगा जो यूवी का फिल्टर है, उसके थ्रू होते हुए वो आपके मिनरल कार्ट्रिज के थ्रू आपके टैंक में जाएगा। और जो सेकेंड नंबर की जो मैंने पाइप इंसर्ट की है वो रिजेक्टेड वाटर की पाइप है, जो वाटर आरओ मेम्ब्रेन फिल्टर से होकर नहीं गुजर पाता वो इस रिजेक्टेड नोज़ल और पाइप के थ्रू बाहर की तरफ आ जाता है। दोस्तों ध्यान रहे जो भी क्लिप आपने निकाली है वो वापस उसी जगह पे लगा दें ताकि इन पाइप्स को अच्छे से ग्रिप मिल जाए। दोस्तों ध्यान रहे कि ये पाइप अच्छे से अंदर तक इंसर्ट हो, नहीं तो आपके ये वाटर लीक कर सकता है। दोस्तों जैसे कि आप देख ही रहे मैंने ये तीनों पाइप इंसर्ट कर लिए हैं। अब मैं इस आरओ मेम्ब्रेन की हाउसिंग को वापस इसके अपनी जगह पर फिट कर दूंगा और जो बाकी के फिल्टर्स हैं उनको भी मैं उनकी जगह पर लगा देता हूं। दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपने आरओ मेम्ब्रेन को चेंज कर सकते हैं, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। बस आपको पाइप्स जहां से जो पाइप्स निकाले हैं उनका ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों अब टेस्ट कर लेते हैं इस आरओ मेम्ब्रेन फिल्टर को। मैं इस फिल्टर को ऑन कर लेता हूं और देखते हैं कि वाटर का फ्लो में कुछ सुधार हुआ है या नहीं। दोस्तों हो सकता है कि स्टार्टिंग में पानी थोड़ा देर से आए और इसमें जो पानी आएगा वो थोड़ा इम्प्योर होगा, तो आपको कम से कम 2 से 3 लीटर पानी इसका फेंकना होगा क्योंकि इसको थोड़ा साफ़ होने में टाइम लगता है, क्योंकि सारे पाइप्स अपनी जगह से हिले भी हैं और जो ये नया मेम्ब्रेन है इसको भी थोड़ा क्लीन होने में टाइम लगता है। तो जो इसका स्टार्टिंग का जो वाटर है वो आपको फेंक देना है, जैसे जैसे 2 से 3 लीटर का पानी इसमें से ड्रेन आउट हो जाएगा उसके बाद आप इसके वाटर को यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप इस आरओ मेम्ब्रेन को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ये 80 GPT की आरओ मेम्ब्रेन अपने 75 GPT के बूस्टर पंप पर लगाई हुई है, और आपको भी इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपका 75 GPT का पंप है तो उस पर 75 GPT से लेकर 80 GPT तक की आरओ मेम्ब्रेन ही लगाएं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।